हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताऊंगा हाईवे पर गाड़ी कैसे चलाते हैं। हाईवे जो होता है उस पर गाड़ी कैसे चलाएं। हम लोगों का जो साइड होता है, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो हम लोगों का जो साइड होता है हाईवे पर, वह लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड होता है, यही मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले हाईवे पर और आप लोगों को बताते हैं कि हाईवे पर किस तरह से गाड़ी चलाया जाता है। तो चलिए चलते हैं। तो लेकर चलते हैं आप लोगों को पहले हाईवे पर। देखिए, पहले यह जो रास्ता है गली वाला रास्ता है, और पहले तो घर के जस्ट बगल वाला रास्ता है। तो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं हाईवे पर। देख सकते हैं ट्रक है, और हमारा जो साइड होता है हाईवे पर, वह होता है राइट साइड। NH पर जब भी हम गाड़ी चलाएंगे, हाईवे पर जब भी गाड़ी चलाएंगे, वो चलाएंगे राइट साइड से। अगर हम स्पीड में हमको जाना है तो राइट साइड से गाड़ी चलाएंगे। और अभी जो गाड़ी चला रहे हैं वो 4 नंबर गियर पर चला रहे हैं। और अगर आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं स्पीड में, तो कभी भी अचानक ब्रेक नहीं मारिएगा। और आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, तो जब कभी आप राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो साइड इंडिकेटर का यूज जरूर से जरूर कीजिएगा, और दोनों लुकिंग ग्लास में जरूर देखिएगा। और अभी जो हमारा स्पीड है वह है 80 के स्पीड पर हम चला रहे हैं गाड़ी को। जैसा कि अभी आप देखिए, आगे में जो ट्रक है और मैं सीधा जा रहा हूँ राइट साइड से, तो यहाँ से मैं लेफ्ट लूँगा तो लेफ्ट इंडिकेटर का यूज जरूर करूँगा। जैसे मैं अभी जलाया हूँ, उसके बाद लेफ्ट लिया हूँ, अब जा रहा हूँ, तो इस सारी बातों को अच्छे से ध्यान में जरूर बैठाइएगा। फिर से मैं आ गया राइट में, तो मैं राइट इंडिकेटर जलाया हूँ, फिर से आया हूँ राइट साइड में। इंडिकेटर जलाने से यह पता चलता है कि पीछे से जो गाड़ी है, वह गाड़ी जो है उसको पता चले कि आप किस साइड से किस साइड में जाना चाहते हैं। अभी मैं ब्रेक इसलिए मारा हूँ कि आगे में जो गाड़ी था, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रेक मार कर फिर लेफ्ट लिया हूँ। उसके बाद मैं सीधा जा रहा हूँ, फिर से यहाँ राइट लूँगा तो राइट इंडिकेटर जलाऊँगा और सीधे जाऊँगा। इस तरह से आप गाड़ी चलाया जाता है हाईवे पर। और फिर से यहाँ मैं लेफ्ट लूँगा, लेफ्ट इंडिकेटर जलाऊँगा, ताकि पीछे से जो गाड़ी रहेगा उसको पता चलेगा कि मुझे अब लेफ्ट लेना है, ताकि वो भी सतर्क हो जाए। अब मुझे इसी रास्ते से जाना है, क्योंकि मेरा जो गाड़ी है आगे में, जो सोमो गाड़ी है, इसी को मुझे फॉलो करना है। इसलिए मुझे अब यह इसी रास्ते से जाना है, लेफ्ट साइड से ही जाना है। और यहाँ पर यह संगम घाट का जो पुल है, संगम घाट का ये पुल है, इस पर क्रॉस करेंगे। अगर स्लो गाड़ी हमको चलाना है तो हम लेफ्ट से ही चलाएँगे, और स्पीड में चलाना है तो हम राइट साइड लेकर चलाएँगे। और दोनों लुकिंग ग्लास में जरूर देखेंगे कि मेरे आगे पीछे जो है कोई गाड़ी तो नहीं ना है। देखिए, फिर से हमको राइट ले लिए हैं, अब राइट से चलेंगे। जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसी तरह से आप साइड इंडिकेटर का यूज कीजिएगा, और हाईवे पर अपने साइड से, बोले तो राइट साइड से गाड़ी को चलाइएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हाईवे पर गाड़ी चलाया जाता है। सो अभी हम 5 नंबर गियर पर चला रहे हैं गाड़ी को, और स्प्लिटर लिए हुए हैं, क्लच पर हम रात रखे हुए हैं केवल, लेकिन प्रेस नहीं किए हुए हैं। कभी कभी ब्रेक भी मारना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि आगे जो गाड़ी है उसमें टच ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हाईवे पर गाड़ी चलाना समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को